और मेरे पास एक ही GoPro है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था इसलिए कोई मैंने नहीं, नहीं फोटो किया। कॉपी करा ले इसकी। तो यहाँ पर हम बैठे हुए हैं और मेरा व्लॉग देखा जा रहा है। अभी राहुल ने देखा नहीं था तो मैंने उसे जबरदस्ती कहा कि भाई देख अभी मेरा व्लॉग, मुझे नहीं पता था। सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून। तो बारिश हो रही है दिल्ली में, जैसा कि आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा, मैंने बोला था बारिश होने के आसार हैं, तो आज बारिश हो रही है। तो इसी के साथ हे गाइस, इट्स मी सचिन एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो भाई मौसम थोड़ा सुहाना सा हो गया है, तो क्यों ना चलो बाहर निकला जाए और बाइक से कहीं घूम के आया जाए। हो सकेगा तो मैं सीधा आज फुटेज रिकॉर्ड करूँगा, कुछ कमेंट्री नहीं करूँगा उसके अंदर, क्योंकि बारिश हो रही है तो उसके लिए कैमरे में मेरे को अडेप्टर वगैरह अटैच करना होता है, जिसकी वजह से कैमरा वाटरप्रूफ नहीं रह जाता। तो देखेंगे, अभी बूंदाबांदी वैसे हो रही होती, घनी बारिश नहीं है जैसे तेज़ बोलते। तो अभी मैं तैयार हो गया था लगभग, देखिए आज कॉटन की टी शर्ट पहनी है, आज मैंने स्पोर्ट्स वाली नहीं डाली है, तो मैं रेडी हूँ और मेरे को सिर्फ शूज़ पहनने हैं अभी, और शूज़ पहन के फिर निकलते हैं बाइक लेके और सादरा चलेंगे। सबसे पहले देखो भाई, कलाई सोनी है तो इसमें घड़ी पहननी है, तो इसके लिए मेरे को स्ट्रैप लेके आनी पड़ेगी, जो कि मेरी मी बैंड की टूट गई है, तो यहाँ कहीं अवेलेबल नहीं था, बट वह कॉस्टली मिल रहा है, पर लेके आएंगे। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से और सीधा मिलते हैं बाइक पर। तो भाई लोग आ गया हूँ मैं राहुल के घर पे, अभी उसको मैं मिलवाता हूँ। उसके घर के आके मैंने कुंडी खोली है, वो बाहर से कह रहा खोल दे, मैंने कहा भाई यही खोलने आया हूँ मैं तेरे घर। तो राइट नाउ अभी मैं आ गया हूँ राहुल के घर, और ये देखो बैठा हुआ है मेरे पास। हे गाइस, तो अभी हम घाट पे बैठे हुए हैं, मुझे मस्त मज़ा आ रहा है, एकदम गाँव वाली याद आ गई, और इतना खुला खुला पेड़ पौधे यहाँ पर लगा रखे हैं, आप देख सकते हो। तो अच्छा हुआ मैं GoPro अपने मतलब माउंट करके नहीं लाया हेलमेट पे, अदरवाइज नहीं तो आज ये पक्का ख़राब होना था। और मेरे पास एक ही GoPro है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था इसलिए मैंने नहीं किया। कॉपी करा ले इसकी। तो भाई अगर ये ख़राब हो जाता ना तो मेरी लंका लग जाती, तो इसीलिए मैंने नहीं किया। मैंने कहा फुटेज कोई बात नहीं, मौसम का मज़ा लिया मैंने, इन्जॉय किया राइड का, और अभी आ गया हूँ। तो खैर अभी मेरे को भाई देखो, जो कलाई सोनी हो रही थी ना, आप सोच रहे थे क्या बोल रहा हूँ मैं, तो ये जो वॉच है मेरी ये टूट चुकी है, देखो MI की, और ये देखो यहाँ से भी टूट रही है। तो इसके लिए मेरे को ना स्ट्रैप लेना है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ऑनलाइन महंगा मिल रहा है, नहीं मैं सस्ता मिल रहा है, बट वो टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, मेरे को जल्दी चाहिए, और इसलिए मैं थोड़ा सा आज आया हूँ यहाँ पर। और राहुल दिलवाएगा मेरे को MI के स्टोर से, महंगी मिल रही है कोई बात नहीं, लेना ही पड़ेगा। तो खैर अभी यहाँ से चाय वाय पी के निकलेंगे थोड़ी देर। जरूरी नहीं महंगा दिलवाए, हम दो तीन स्टोर पर घूम के देखेंगे क्या क्या, कहीं जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ से ले लेंगे। अब वो तेरी जिम्मेदारी है भाई, मेरी नहीं है। ओके ब्रो, तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे। तोते खुल रहे हैं, कहीं ट्यूब नहीं मिल रही मेरे को, और ट्यूब के चक्कर में घूम रहे हैं। यहाँ पर मेरे को देखो स्ट्रैप मिल गई है, और ये 200 रुपये में मिली है, वैसे बता रहे थे कि 300 रुपये, पर दूसरी जगह ट्राई किया तो वो 200 रुपये में मिल गई। और राहुल के साथ मैं आज पैशन पे घूम रहा हूँ, और अभी आगे जा कर ट्राई करते हैं, बहुत सारी सीएट की शॉप्स वगैरह हैं। तो यार यही चक्कर है कि मतलब जो चीज़ चाहिए वो मिल नहीं रही है, और बहुत दिमाग ख़राब होता है ऐसे में। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर हम बैठे हुए हैं और मेरा व्लॉग देखा जा रहा है। अभी राहुल ने देखा नहीं था तो मैंने उसे ज़बरदस्ती कहा कि भाई देख अभी मेरा व्लॉग, मुझे नहीं पता, तो ये देख रहा है बैठ के। तो खैर बता दूँ कि अभी मैं और ये भाई साहब पूरा सादरा ढूंढ लिया, और कौन सी जगह थी, पड़पड़गंज, मतलब घूम लिए, हमें ट्यूब नहीं मिली है। एक्चुअली 190/17 की मिल रही है, 120/90/17 नहीं मिल रही, जो उसका मेजरमेंट कह रहे हैं कि उसी के साथ आती है, अदरवाइज़ वो ट्यूब बनी नहीं है, मतलब आती नहीं बाहर से। तो उसके चक्कर में भाई सब परेशान हो गए, और राइट नाउ अभी यहाँ पर बैठ के देखो ये रही कोल्ड ड्रिंक, समझ रहे हो ना आप, समझ रहे हो। देन यहाँ पर कचौड़ी है आलू की। तो आजकल जहाँ जा रहा हूँ मेरे को ट्रीट मिल रही है, तो अभी भाई साहब ये खा पी रहे हैं। और सेकंड थिंग बता दूं कि यार आपको कि मैंने कुछ सोचा है कि अगर आपको किसी चीज़ की मतलब जैसे आदत हो जाती है ना,
गलत आदत, तो आपको उसे सुधारने के लिए लगभग 22 दिन चाहिए होते हैं, ये कहना है, थ्योरी है ऐसी कुछ। तो वही सुधारने के लिए, जैसे मैं अभी आलसी हो गया हूँ बहुत, मैं ब्लॉग वगैरह शूट नहीं करता, तो सोच रहा हूँ कि कंटिन्यू क्या ना एक महीने का डेली ब्लॉग चैलेंज लिया जाए, जैसा भी बनेगा अपलोड करूँगा। तो आज मैं प्रण लेता हूँ भाई साहब कि एक महीने का ब्लॉग चैलेंज लूँगा मैं, डेली एक ब्लॉग एक शूट करूँगा और उसको अपलोड करूँगा। इसी बहाने मेरी सुबह जल्दी सोने और संडे संडे हमारी फ़ोटो वॉक रहेगी, संडे संडे हमारी फ़ोटो वॉक भी रहेगी, उसका भी ब्लॉग बहुत जल्दी आएगा आपके पास। देखो भाई, फ़ोटो वॉक पे भी जाने की तैयारी हो गई है, तो अब डेली एक ब्लॉग में ऐड करूँगा और मतलब अपलोड करूँगा। इसी बहाने सोने की आदत ठीक हो जाएगी, उठने की आदत ठीक हो जाएगी और मैं रेगुलर हो जाऊँगा जैसे पहले था एक्टिव। तो खैर कोई नहीं, अभी मज़े लेते हैं यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक और कचौड़ी के, और फिर उसके बाद मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद, समझ रहे हो। तो फाइनली गाइस, अभी आज की भाग दौड़ अभी राहुल के यहाँ से ख़त्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही काम हो पाया है, स्क्रैप आया, और ये भी इसी के बदौलत मिला, नहीं तो मेरे को मिल भी नहीं रहा था कहीं, और मेरे को अभी ट्रिप पर निकलना है तो वह बहुत ज़रूरी था, अदरवाइज़ ये 24 तारीख को आ रहा था। तो भाई इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू सो मच। और रही बात ट्यूब वगैरह की, तो वो नहीं मिली, तो कह रहे अभी विदाई लेने की बात आपको, कोई नहीं आज नहीं मिली, मिलेगी ज़रूर मिलेगी। तो निकलने का टाइम हो गया, 8 बज गए रात के, और अभी घर जाके देखना है कि वहाँ पर क्या काम मेरे छूटे हुए हैं, उसे भी करके फिर रात में इस ब्लॉग को एडिट करेंगे और देन अपलोड करेंगे। तो अभी डेली ब्लॉग का चैलेंज मैंने ले लिया है, तो अभी नाक नहीं कटा, नहीं डेली एक ब्लॉग करना है। तो चलिए भैया जल्दी से निकलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं घर और करते हैं कल की तैयारी। बाय बाय गाइस। भाई लोग घर आ गए हूँ और खाना वाना खा लिया है, और लगभग 8-8:30 बजे आ गया था, 1:30 बज रहे हैं, जस्ट अभी अभी खाना खाया क्योंकि आज लेट हो गया थोड़ा सा। बात की जाए आज के दिन की, तो यार आज का दिन मतलब बहुत भागा आपने देखा, और टायर ट्यूब ने तो भाई साहब हालत ही ख़राब कर दी, हवा निकाल दी मेरी। तो खैर कोई बात नहीं, मैंने बोल रखा है एक दो जनों से, जैसे ही वो मिलेगा तैसे ही मैं लेके रख लूँगा, अदरवाइज़ फिर पल्सर वाली ट्यूब मेरे को लेके रखनी पड़ेगी फॉर इमरजेंसी। तो खैर इसी बात पे यार आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, अब डेली ब्लॉग करना है तो अब डेली आप देखोगे क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। तो इसी के साथ इस ब्लॉग में बस इतना ही, तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खतरनाक बारिश हो रही है बाहर।